मनाली से चंडीगढ़ के बीच बड़ा सुंदर एक जगह है भरतगढ़, और वहाँ पर है फेमस सुखदेव का ढाबा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मेड इजी। आज हम लोग सुखदेव के ढाबा जैसा प्याज के पराठे बनाएंगे। हमने वहाँ पर प्याज के पराठे खाए, बड़ा बढ़िया बनाया था उन लोगों ने, तो मैं आज वो घर पे ट्राई करूँगी। मैं एक कप आटा लूँगी, व्हीट फ्लोर, 1 कप ऑफ व्हीट फ्लोर मैं लूँगी। इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच वाइट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी आप अपने मर्जी का यूज़ कर सकते हैं। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डालेंगे। 1/2 चम्मच जो है अजवाइन डालेंगे इसमें, और एक मैंने अपना ऐड किया है 1/4 टीस्पून फुल कलौंजी। बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, यूज़ करके देखिए फ्रेंड्स। अब इसको सूखे सारे को मैं बहुत अच्छी तरह से मिला लूँगी, जिसके तेल चारों तरफ से अच्छी तरह से मिल जाए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको एक नरम आटा गूंथ लूँगी, जैसे मैंने पराठे के लिए हम लोग गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से करेंगे हम लोग। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी मत ऐड करिए, टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मुझे हाथ लगाना ही पड़ेगा। हाथ लगा के मैंने डो बना लिया है। अब इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल के इसको चिकना कर लूँगी। चिकना करके इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इसके बीच में हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ। मेरा आटा बड़ा नरम बना है, इस तरह का आटा ही आपको गूंथना है। पानी मैंने 1/2 कप यूज़ किया है, 1 कप आटा में मैंने 1/2 कप पानी यूज़ किया। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं फिलिंग बना लेती हूँ। मैं 2 बड़े प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, लाल मिर्च का थोड़ा सा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून फुल धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला या अमचूर का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इसको बड़ा अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऊपर से डाल दीजिए, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब इन सारे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बीच आटा हम लोगों का सेट हो गया है, इसमें से मैं 4 पेड़े बना लूँगी। अब इनको मैं थोड़े थोड़े कटोरे जैसे बना लूँगी, देखिए इस तरह से। साइड के तरफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दीजिए और बीच में इसको थोड़ा मोटा ही रखिए, नहीं तो बेलने के टाइम में आपका प्याज बाहर निकल आएगा। अगर प्याज बाहर निकल भी आता है तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा ही लगता है वो। अब इसमें फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से भरिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा फिलिंग अच्छा लगता है, इसीलिए मैं 3 या 4 चम्मच इसमें जितना एकोमोडेट कर सकती हूँ मैं डाल दे रही हूँ इसमें। अब चारों तरफ से लोई को मैं बीच में लाकर इसको जॉइंट कर दूंगी। आप ये ऊपर का हिस्सा काट भी दे सकते हैं, या फिर इसमें इसको आप दबा के गोल गोल लोई पेड़े जैसा आप बना सकते हैं। एक और भी मैं बना के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इसके कटोरे। जब आप बनाएंगे तब साइड के पोर्शन में आप प्रेशर ज़्यादा दीजिए और बीच में जो इसको थोड़ा मोटा छोड़िए, क्योंकि जब आप बेलेंगे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और न्यू फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए प्रेशियस है, रियली इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप अगर कुछ नया रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब ये ऊपर का पोर्शन आप अटैच भी रख सकते हैं या इसको तोड़ के बाहर भी फेंक सकते हैं, लेकिन मैं अटैच रखूँगी क्योंकि इसके लिए जो है मुझे बेलने में बहुत हेल्पफुल होता है। एक और भी मैं आप लोगों को दिखा दिया मैंने, बस इसी तरह से इसको बीच में आप दबा दीजिए, दैट्स ऑल। मेरे चारों बन गए। अब किचन काउंटर पे थोड़ा सा आटा फैला के मैं इसको थोड़ा सा हाथों से दबा दूंगी। हाथों से दबाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर का फिलिंग जो है चारों तरफ से बहुत इवनली फैल जाता है। अब इसको मैं पराठे के शेप में बेल लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा पतला मत बनाइए और खूब ज़्यादा मोटा भी मत रखिए इसको। और इस बीच मैं अपना तवा गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया है, ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पराठा डाल दूंगी। अब इसको हाथों के हेल्प से थोड़ा सा इसको घुमा घुमा दीजिए, इससे क्या होता है भीतर तक बहुत अच्छी तरह से पराठे सिक जाते हैं। अब इसको आप टर्न कर लीजिए, टर्न करके दोनों तरफ चितिया आ गए, देखिए दोनों तरफ से जब चितिया आ जाए तब आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करिए। ऑयल भी आपको ज़्यादा ऐड करने का ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहें तो इसे घी से भी कर सकते हैं, घी से टेस्ट रियली ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने 1 चम्मच ऑयल इसमें डाला है और ब्रश से मैं इसको चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फैला दे रही हूँ। 2-3 बार इसको पलट के जब तक ये करारे हो जाए और चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से सिक जाए तब तक मैं इसको पलट पलट के सेकूँगी।
मैंने इसको 2-3 बार बीच बीच में मैंने पलट दिया है। ये पराठे ऑलमोस्ट सिक चुके हैं, आप देखिए ये सुखदेव का पराठा आपके घर पे आ गया है। एंड आई कैन अश्योर यू ये टेस्टी ज़्यादा होगा, आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। एंड हेल्दी तो ज़रूर होगा ये, क्योंकि आप अपना जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ हेल्दी ऑयल। सो मेरे पराठे बन गए हैं, दे आर वेरी नाइस, दे आर सॉफ्ट, दे आर टेस्टी एंड दे आर क्रिस्पी ऑल्सो। आज मैंने दही के साथ इसे सर्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, बी मैरी, कैच यू ऑल सून अगेन।